Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our environment lecture series, this is lecture number 12th. तो चलिए हम अपना लेक्चर नंबर 12th स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा वी हैव डन मैंग्रूव्स और कोरल रीफ. तो अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है बायोडायवर्सिटी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज जो मैं भी लेक्चर करने वाला हूँ उसमें अराउंड दो तीन क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो उनको जरूर ध्यान से देखिएगा. तो चलिए बायोडायवर्सिटी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, आपसे पूछा जाएगा बायोडायवर्सिटी होता क्या है. तो यार देखिए, बायो मतलब होता है लिविंग, ठीक है, लिविंग थिंग्स को हम बायो कहते हैं. और डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी. तो वॉट डू मीन बाय बायोडायवर्सिटी, वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब लिविंग बींग्स की जो वेराइटी है अर्थ में उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी. तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको आप जरूर नोट डाउन करें. नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी. बायोडायवर्सिटी के लेवल्स क्या होते हैं, तो तीन लेवल्स मैंने यहां पर बताए हैं. एक है जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, सेकेंड इज स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, एंड थर्ड वन इज इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी. तो एक एक करके अपन एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. देखिए जेनेटिक बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है. देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, कलर्स एंड साइजेस ऑफ रोज. आपने रोज देखा होगा, कोई येलो कलर का देखा होगा, कोई रेड कलर का, व्हाइट कलर का, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस देखते हैं. प्लस उनके साइजेस अलग रहते हैं, है तो वो रोज बट अलग अलग आपको पता है उनके क्या है, कलर्स हैं और क्या है, साइजेस हैं. इसी को हम कहते हैं जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, मतलब जीन्स विथ सेम स्पीशीज है रोज का बट शो वॉट वेरिएशन, दैट इज नोन एज जेनेटिक बायोडायवर्सिटी. सेकेंड क्या है, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी. अब देखिए मैं क्या बताता हूं आपको, लिविंग बींग्स की बात करें, बायोडायवर्सिटी मतलब ही होता है लिविंग बींग्स, याद रखना, प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स में ह्यूमन बींग भी काउंट करेंगे अपन. तो देखिए स्पीशीज बायोडायवर्सिटी में क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, एक एरिया में अलग अलग लोग हैं, ठीक है, जानवर भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे हो स्पीशीज आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है. तो याद रखिएगा मतलब ये क्या बता रहे हैं, ये स्पीशीज रिचनेस बता रहे हैं. एक पर्टिकुलर एरिया में इंसान भी है, फिर आप मान लो लेट सपोज प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है. तो इससे इसको हम कहते हैं स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, ठीक है. अब ये स्पीशीज रिचनेस मैंने लिखी है, ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट ध्यान रखिएगा जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैरायटी होंगी, यहाँ पर सेम स्पीशीज नहीं है. देखिए जेनेटिक बायोडायवर्सिटी में क्या था, सेम स्पीशीज है या डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है, फिर एनिमल स्पीशीज है, बर्ड्स है, सब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है कि नहीं है, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, ठीक है. थर्ड है इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी. इसका मतलब क्या होता है, इन एन एरिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट. मान लीजिए आपको एक एरिया में जाते हैं, वहां पर आपको पॉन्ड भी दिखता है, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दिख गया, फिर आपको वहां पर मैंग्रूव्स दिख जाते हैं तो आपको मैंग्रूव इकोसिस्टम भी दिख गया, फिर आपको मान लीजिए आसपास वहां पर कहीं डेजर्ट भी दिख जाता है तो डेजर्ट भी दिख गया. तो आप देख रहे हैं एक ही पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम आपको दिख रहे हैं, ठीक है. व्हाट इज इकोसिस्टम, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन माय प्रीवियस लेक्चर, आप वहां देखें जरूर. तो डिफरेंट डिफरेंट अगर इकोसिस्टम आपको मिलता है पर्टिकुलर एरिया में तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, ठीक है. तो तीन लेवल्स होते हैं, याद रखिए, जेनेटिक सेम स्पीशीज में, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. अब देखिए ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवेननेस में. चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो हम एक्सप्लेन करते हैं. लेट अस सपोज, देखिए मैंने यहां पर अराउंड 1 2 3 4 5 6 डायग्राम बना रखा है, ठीक है. ये ट्रीज हैं, ठीक है, ए ट्री है, ये देखिए बी डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, सी भी डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, डी भी डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो पेड़ है ये ए की तरह दिख रहा है कि नहीं, ठीक है. ऐसे ये जो वाला है ये भी बी की तरह दिख रहा है. तो अपन देख रहे हैं यहां पर मैंने अराउंड 1 2 3 4 6 ट्रीज बनाए हैं, ठीक है, जिनमें से चार तो अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं. तो इसको हम कहते हैं 4 types ऑफ प्लांट स्पीशीज दिख रहे हैं अपन को, 6 तो टोटल है बट 4 types हैं, ठीक है, 4 types ऑफ प्लांट स्पीशीज दिख रहे हैं. तो इसका मतलब क्या होते हैं, हम जितने नंबर आपको स्पीशीज मिले उनको आप काउंट कर लीजिए. यहां पर 4 types के हैं, 6 total हैं बट 4 types के हैं कि नहीं, तो सिंपली काउंट द नंबर ऑफ स्पीशीज. जितने नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे उतनी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी. याद होगा अभी हमने स्पीशीज बायोडायवर्सिटी की थी तब भी मैंने आपको बताया डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ जाएगी, ठीक है. अब हम आते हैं स्पीशीज इवननेस पे, ठीक है. अब मैं 2 examples लेता हूं. लेट अस सपोज ये ए एरिया है और ये बी एरिया है, ठीक है. ए एरिया में मैंने माने 40 नीम के पेड़ हैं, ठीक है, 40 नीम के ट्रीज हैं और 4000 चिर के पेड़ हैं, ठीक है. तो आप देख रहे हैं यहां पर स्पीशीज कितनी है. देखो स्पीशीज अगर काउंट करें तो एक नीम का पेड़ है और एक चीर है,
चीड़ का पेड़ है, मतलब दो टाइप की स्पीशीज है। स्पीशीज रिचनेस के हिसाब से यहाँ पे दो स्पीशीज है। बी एरिया में आते हैं, यहाँ 500 नीम के पेड़ हैं और 500 ही चीड़ के पेड़ हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हुए, अगेन टू, क्योंकि नीम है और चीड़ है, तो स्पीशीज रिचनेस के हिसाब से दोनों ही बराबर है, ए भी बराबर है और बी भी बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये बताइए, यहाँ पर अनइवन टाइप का लग रहा है कि 40 नीम और 4000 चीड़ के पेड़, तो अनइवन दिख रहा है कि नहीं, स्पीशीज इवेननेस अनइवन है, जबकि यहां पर क्या लग रहा है 500 500, मतलब इवेननेस दिख रही है। तो स्पीशीज इवेननेस कहां पे ज्यादा दिख रही है आपको, बी में, मतलब स्पीशीज इवेननेस इज मोर ऑफ बी देन ए, बी में ज्यादा स्पीशीज इवेननेस है, जबकि स्पीशीज रिचनेस दोनों में बराबर थी, बट इवेननेस ध्यान रखिए बी में ज्यादा है, ए में कम है, ठीक है। तो अगर इवेननेस ज्यादा होगी, स्पीशीज इवेननेस ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, याद रखिएगा, वो इकोसिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस आप याद रखना इवेननेस और स्पीशीज रिचनेस में क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूं मैं, तो इंडिया में आपको पता है वर्ल्ड का 2.4% लैंड इंडिया में है, 7% ऑफ स्पीशीज वर्ल्ड की स्पीशीज इंडिया में है, और अराउंड 18% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, इतना कम लैंड है बट देखिए कितना सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ फॉरेस्ट कितना एरिया से कवर है, तो अराउंड 23.3% ज्योग्राफिकल एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे अपना क्या फॉरेस्ट और ट्री कवर है अराउंड 23%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया को हम मेगा डाइवर्स कंट्री भी कहते हैं। मेगा डाइवर्स कंट्री क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज व्हाई इंडिया इज नोन एज मेगा डाइवर्स कंट्री। ऐसी बात नहीं सिर्फ इंडिया में है, वर्ल्ड में अराउंड 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, जैसे कि मैं लिख भी रखा साउथ अफ्रीका, चाइना, कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। तो आपको सारे नाम याद नहीं होते हैं, बट याद रखिएगा देयर आर अराउंड 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज जिनकी रिच बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग बींग्स ज्यादा है, ठीक है। मैंने बताया था बायो मींस लिविंग और दैट इज डाइवर्सिटी मींस वैरायटी, ठीक है। अब ये जो है ये प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कैनकन इनिशिएटिव डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कैनकन इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, देखिए कैनकन तो एक सिटी है मैक्सिको में, कहां पर है मैक्सिको में। यहां पर क्या हुआ था, ये जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं इसमें से 10 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप बनाया, तो मतलब ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड, जो एक जैसा सोचती है, लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्री, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा GLMMDC, ठीक है। तो इन 10 कंट्रीज ने आपस में मिलकर ग्रुप बनाया, ठीक है, जो क्या करेंगे, they will promote biodiversity conservation. वो क्या प्रमोट करेंगी, to promote biodiversity conservation. तो 10 countries में एक इंडिया भी है, इसलिए मैंने कैनकन इनिशिएटिव आपको बताया। 10 countries कौन-कौन सी हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तो कर ले, इंपॉर्टेंट है। इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ठीक है, पेरू, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड वेनेजुएला, तो ठीक है। तो याद होती है तो अच्छी बात है, बट इंडिया कैनकन इनिशिएटिव का पार्ट है, ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। कैनकन इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक टर्म आता है एंडेमिज्म, बहुत कॉमन टर्म है, यूज करते हैं। एंडेमिज्म क्या होता है, याद रखिएगा जो स्पीशीज होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब वो सिर्फ यहीं पर मिलेंगी, तो उसे कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। ये सिर्फ इसी जगह पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती वर्ल्ड में, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिज्म मतलब होता है वो स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसे एंडेमिक स्पीशीज कहाँ है, तो आंसर वुड बी वेस्टर्न घाट्स, याद रखिएगा। मैक्सिमम एंडेमिज्म जो इंडिया में मिलता है वो कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी को हम एक तरीके से हैबिटेट भी कह सकते हैं, ठीक है, हैबिटेट, जहां पर मतलब लिविंग बींग्स रहते हैं, रहने की जगह को हैबिटेट भी कह सकते हैं। तो कम्युनिटी डाइवर्सिटी, यहां पर तीन टाइप की कम्युनिटी डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अगेन मैं डायग्राम एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें बेटर समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। लेट अस सपोज एक पर्टिकुलर जगह है, ये एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, रहने की जगह है, कम्युनिटी है या तो पर्टिकुलर कोई क्या है, हैबिटेट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रहने की जगह पर ह्यूमंस भी रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर एरिया, वहां पे गाय भी है, बफेलो भी है, तो कितनी स्पीशीज है यहाँ पर, यहाँ पर तीन स्पीशीज है, याद रखिए कितनी स्पीशीज है, तीन स्पीशीज है। तो व्हाट इज अल्फा डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कितनी स्पीशीज है, उसे कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, मतलब विद इन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी, विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ, मतलब एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कितनी स्पीशीज है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी, सॉरी अल्फा डाइवर्सिटी, मैंने लिखा है विद इन द कम्युनिटी और हैबिटेट,
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अल्फा डायवर्सिटी। दूसरा है बीटा डायवर्सिटी। यहां पर एग्जांपल देखिए, यहां पे पर्टिकुलर दो अलग अलग जगह ले ली मैंने, लेट अस सपोज प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, यहां पर ह्यूमंस है, काऊ है, बफेलो है, यहां पर ह्यूमंस है, शीप है, लिजर्ड है, तो बताइए दोनों में कितनी स्पीशीज मिली। एक तो कॉमन है ह्यूमन, यहां पर दो है, यहां पर दो है, टोटल कितनी स्पीशीज हुई, फाइव स्पीशीज हुई। मतलब जब हम कंपेयर करते हैं किसका, दो हैबिटेट को, ठीक है, उसके हिसाब से हमने कितनी स्पीशीज बताई, फाइव स्पीशीज, इसको कहते हैं हम बीटा डायवर्सिटी। दैट इज, व्हाट इज बीटा डायवर्सिटी, बिटवीन टू कम्युनिटी, बिटवीन टू कम्युनिटी और हैबिटेट, ठीक है, ध्यान रखिए, दो कम्युनिटी और हैबिटेट को अगर आप कंपेयर करके बताते हैं कितनी वहां की डायवर्सिटी है, तो उसको कहते हैं बीटा डायवर्सिटी। तो बीटा डायवर्सिटी के हिसाब से पांच थे यहां पर, और अल्फा के हिसाब से पर्टिकुलर एक की लेते हैं तो वहां पर तीन है, ठीक है। थर्ड जो है वो है गामा डायवर्सिटी। गामा डायवर्सिटी क्या है, यहां पर हम एक या दो नहीं ले रहे हैं, हम पूरा एरिया ही ले रहे हैं, उसके बाद हम डायवर्सिटी बता रहे हैं। कहने का मतलब गामा डायवर्सिटी, डायवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट, मतलब पूरी रहने की जगह पे डायवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप, पूरे लैंडस्केप या ज्योग्राफिकल एरिया के अराउंड कितनी बायोडायवर्सिटी है, उसको कहते हैं हम गामा बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा विद इन द पर्टिकुलर हैबिटेट, गामा इज कंपैरिजन बिटवीन टू हैबिटेट, और सॉरी बीटा इज कंपैरिजन बिटवीन टू हैबिटेट, एंड गामा इज व्हाट, टोटल लैंडस्केप में कितनी बायोडायवर्सिटी, पूरे हैबिटेट में कितनी बायोडायवर्सिटी है, उसको हम कहते हैं गामा बायोडायवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, दैट इज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग सुन के सोचते हैं ये होना बहुत जरूरी, अच्छी बात है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, ऑफकोर्स इंडिया में है, बट ये कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है। आप सुनिए क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है, ऑफ कोर्स दैट एरिया शुड बी रिच इन बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी में तो रिच होगा, मतलब बायोडायवर्सिटी तो वहां पर सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी तो वहां पर बहुत ज्यादा होगी, प्लस थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस, मतलब वो एरिया थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस भी होगा, ऐसे एरिया को जहां पर बायोडायवर्सिटी भी बहुत ज्यादा हो प्लस ह्यूमंस का थ्रेट भी बहुत ज्यादा हो, ऐसे एरिया को हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, रिमेंबर, ठीक है। और इस टर्म को दिया किसने है, याद रखिए नॉर्मन मेयर्स, इसने इस टर्म को दिया है, स्टैटिक एग्जाम पीसीएस वगैरह पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया में अगर बात करूं कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो तीन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स एंड इंडो बर्मा। हाँ, कहीं कहीं बुक्स में दो भी दिए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इंडो बर्मा को, क्योंकि इंडो बर्मा इंडिया में भी है प्लस कुछ अदर कंट्रीज में भी है, जैसे बांग्लादेश, मलेशिया, ठीक है, तो म्यांमार, ठीक है, तो इसीलिए इंडो बर्मा कभी कभी इंडिया में काउंट नहीं करते, बट आप इंडिया में ही काउंट करिए, क्योंकि इंडिया में भी आता है ये, ठीक है। तो वी हैव थ्री बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, टोटल वर्ल्ड में अराउंड 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो बहुत सारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑलरेडी है वर्ल्ड में, ठीक है। अगर कंडीशंस, कैसे किसी एरिया को हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, ये देख लीजिए, इसके लिए दो कंडीशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली, एंडेमिज्म, कहने का मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में 1500 स्पीशीज ऑफ वस्कुलर प्लांट एंडेमिक होने चाहिए, मतलब 1500 वस्कुलर प्लांट्स क्या होने चाहिए, एंडेमिक, मतलब सिर्फ वहीं पाए जाते हो, या तो ये, और ग्रेटर देन 0.5% ऑफ वर्ल्ड, मतलब या तो 1500 हो, है ना, वस्कुलर प्लांट्स, या तो फिर 0.5% वस्कुलर प्लांट जितने भी वर्ल्ड के हो, ठीक है, उससे ज्यादा यहां पर एंडेमिक हो, ठीक है। तो ऐसे एंडेमिक मतलब सिर्फ वहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है लॉस ऑफ हैबिटेट, कहने का मतलब वहां पर अराउंड 70% जो उसका ओरिजिनल हैबिटेट था, रहने की जगह थी, वो लॉस्ट हो चुकी हो, ठीक है। ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, और इसके हिसाब से हमने तीन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में बना रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कंप्लीट कर दिया है। जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी पे डील करेंगे हम, और इस चैप्टर को बायोडायवर्सिटी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि हम इसको सीरीज को कंटिन्यू करें, और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो एनवायरमेंट के, तो आप जरूर नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।